Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, होमवर्क हो रहा है? जी पुप्पो दादी। शाबाश। वाओ, माशाल्लाह सुंदर, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत प्यारी है। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो तो आगे जाओगी। अब्दुल्ला बेटा अपनी कॉपी दिखाओ। जी दादी पप्पो। ये ले। अभी तक एक ही काम हुआ है मुझसे। क्या अब्दुल्ला बेटा, आपकी राइटिंग कितनी गंदी है। क्यों दादी पप्पो, सही तो है। ये देखो, ये सही है। अपने सिलेबस के अलावा रोजाना एक पेज लिखा करो, तुम्हारी राइटिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है? ठीक है दादी। शाबाश, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं जा रही हूँ। याद करने का करते हैं। अब्दुल्ला। अरे पप्पो दादी, आप भैया सिक्का लेने क्यों नहीं आए? मैं बस आ ही रहा था कि आप ही मेरे कमरे में आ गई। आई थी तो सिक्का भी साथ लिया थी। भाई मैंने कहा था ना, सिक्का उसे मिलेगा जो अपना रोजा मकबूल करेगा। लेकिन दादी, मैंने तो अपना रोजा मकबूल किया है। अब्दुल्ला, तुम्हें पता है कि अल्लाह किसका रोजा कबूल करते हैं? जी दादी, जो झूठ नहीं बोलता, किसी से झगड़ा नहीं करता, ना ही खाना खाता है और ना ही पानी पीता है। तुमने ठीक कहा। इसके अलावा अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं जो सफाई को पसंद करते हैं, जो साफ रहते हैं। अल्लाह गंदे बच्चों को पसंद नहीं करता, और जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता उसका रोजा कैसे मकबूल हो सकता है? दादी पप्पो, मेरा कभी भी मकबूल रोजा नहीं हो पाएगा ना। मैं रोजाना कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता हूँ। अब्दुल्ला, मायूसी गुनाह होती है। तुम कोशिश करते रहो, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। तुम ये तो सोचो कि तुम इन कोशिशों से कितने अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। आज तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। दादी फूफो, क्या आप सच कह रही हैं? दादी फूफो कभी झूठ नहीं बोलती। थैंक यू दादी फूफो। है गरीब भी के सहावत की धूम है, अपने सवाब में है इजाफा किया हुआ। इरफान है एहसान है, सुबहान है रमजान। इरफान है एहसान है, सुबहान है रमजान। रमजान रमजान, सुबहान रमजान। रमजान रमजान, बहुत जबरदस्त बैग है।
अच्छा ये बताओ कि कहाँ से किया तुमने? वो अपनी पास वाली मार्केट है ना, वहाँ से। अच्छा ये जो दो गली छोड़ के मार्केट है ना, वही वाली ना? हाँ। लेकिन लिया बड़ा जबरदस्त है तुमने बैग। चलो सज्जा देर हो रही है, चलो अब्दुल्ला आप भी घर जाओ। ये लो। अरे ऐसे ही ले जाओ ना। वापस से बोलता अल्लाह तू है रहमत वाला, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, वाला। अब्दुल्ला ये क्या बदतमीजी है बेटे, इस तरह बैग फेंकते? मम्मा मुझे अभी नया बैग चाहिए। नया बैग? थोड़े दिनों पहले तो आपको नया बैग दिलाया था। इस बैग को आप देख रही हैं? इससे अच्छा तो फकीरों का थैला होता है। अब्दुल्ला दिखाओ जरा क्या खराबी है इस बैग के अंदर। देखिए आप खुद ही, इतना बुरा बैग तो है। बस मैंने आपसे कह दिया है मुझे नया बैग चाहिए। बेटे ठीक तो है बैग, अच्छा खासा है, कितनी बुरी बात है ना, कितने बच्चे ऐसे हैं गरीब जिनके पास ऐसा बैग भी नहीं है। तो फिर आप ही उनको जाके दे देना। मैंने आपसे कह दिया है मुझे आज ही नया बैग चाहिए, वरना मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। आप पढ़ो बेटा। अल्लाह तू है रहमत वाला, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज गवाही, देती है हर चीज गवाही। ये अब्दुल्ला क्यों शोर मचा रहा था? पप्पो बस क्या बताऊं आपको, हर रोज इसकी एक नई फरमाइश होती है। अब क्या कह दिया, नया बैग चाहिए इसको, बताएं इस बैग में क्या खराबी है? अच्छा खासा तो है, ये बच्चा भी ना बस। अब ये बात इसको कौन जाकर समझाए? मैं समझाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो, देख लिया होगा किसी का और बस। पप्पो मैं किचन में जा रही हूँ, सुंदरस पड़ रही है, आप जरा इसे देख लीजिए। वाह सुंदरस पड़ रही बेटा, क्या पढ़ा? अल्लाह तू है रहमत वाला। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा ले आओ बैग। वाओ सुंदर, पापा को जगह तो बैठने की बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। पापा ये तो क्लास का सबसे अच्छा बैग है। हाँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी क्लास के सबसे अच्छे बच्चे बन जाओ। पापा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। गुड। मम्मा ये देखिए कितना अच्छा बैग है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बैग है, लेकिन अब आप इसको संभाल के एहतियात से इस्तेमाल करना, खराब नहीं करना। जी मम्मा। पापा ये मैं दादी पप्पू को दिखा के आता हूँ। पापा मेरे लिए नया बैग मिला। ओ आपको अभी तो नया बैग दिलाया था थोड़े टाइम पहले बेटा, अभी पहले इसको इस्तेमाल करो, जब वो खराब हो जाएगा तो फिर मैं अपनी गुड़िया को नया बैग दिलाती हूँ। दादी पप्पू ये देखिए मेरा नया बैग। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारा है, तुम्हारे पुराने बैग को क्या हुआ? कल मैंने देखा था वो तो बिल्कुल ठीक था। हाँ वो तो था, लेकिन कल मैंने खालिद का नया बैग देखा था तो फिर मुझे उसका बैग अच्छा लगा, मैंने भी पापा से बोला मुझे वही वाला बैग चाहिए। पता है ना इसमें क्या है? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, और सोने का सिक्का उसको दिया जाएगा जो मकबूल रोजा रखेगा, शैतान के भाई को तो नहीं दिया जाएगा ना। शैतान का भाई? कौन है शैतान का भाई? तुम। मैं? भला मैं क्यों शैतान का भाई हूँगा? तुम्हारे पास एक बैग पहले से मौजूद था,
तुमने जिद करके दूसरा बैग लिया ना बेटा, ये फजूल खर्ची है और फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शैतान का भाई करार दिया। बेटा तुमने जिद की थी कि जब तक नया बैग नहीं आएगा तुम स्कूल नहीं जाओगे, ये नाशुक्री है। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सोचो कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल भी नहीं जा सकते। सॉरी दादी पुप्पो। बेटा अपना बैग तो लेते जाओ।